तो गाइस आज सबसे पहले छत पे आके कबूतर को बाहर छोड़ दिया। एक कबूतर बैठा है और चार कबूतर उड़ने लग गया ऑलरेडी, तो इसको भी उड़ा दिया। देखो गाइस एक कबूतर उड़ा दिया, तो ये अभी जाके यहाँ पर बैठ गया गाइस, ठीक है। और तीन चार कबूतर उड़ रहा है, आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो गाइस एक कबूतर को उड़ा दिया, ये देखो, और तीन चार कबूतर ऑलरेडी उड़ रहे हैं, आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। इस साइड पे चला गया गाइस, तेज हवा चल रही है, आप लोग दिखाओ। देखो गाइस इस साइड से आएगा कबूतर, ये देखो गाइस दो कबूतर, ये देखो, और दो कबूतर नीचे उड़ रहे हैं और हवा चल रही है गाइस। और एक कबूतर जो उड़ाया अभी, ये देखो अभी ये जा रहे हैं, तो टोटली पाँच कबूतर उड़ रहे हैं, ठीक है। और पाँच कबूतर ही पीछे चला गया क्योंकि हवा की वजह से, तेज हवा चल रही है। और लॉक के ऊपर आने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा एक ब्रीडिंग का जो लास्ट अंडा था गाइस, ठीक है। लास्ट नहीं, एक और अंडा बाकी है, ठीक है। उसके आगे जो बच्चा अंडा था, उसके अंडे से देखो गाइस बच्चा देखो फाइनल निकल गया, दो बच्चा निकल गया। आप लोग देखो गाइस दोनों बच्चा किस तरह से रह रहे हैं, आप लोग देखो, ये देखो दोनों बच्चा। लेकिन दोनों बच्चा तो निकल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया गाइस, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो ये जो दो बच्चा आप लोग देख रहे हो गाइस, इसका नीचे खराब अंडा में देके रखा था गाइस अंडे को, और इसका जो बच्चा निकला है गाइस, एक तो इस कबूतर का बच्चा निकला, ठीक है, इस कबूतर का बच्चा निकला है, और इसका दूसरा अंडा इस कबूतर के पास था, मदरसी का पास था। तो दोनों अंडा, ये दोनों अंडा को गर्म करना छोड़ दिया, तो मैं परेशानी में आ गया। उसके बाद अंडे को लेके इस कबूतर के पास दे दिया और इस इन दोनों ने बच्चे को निकाल दिया, ठीक है गाइस। तो अब की दिक्कत क्या है गाइस, इन दोनों को फीड कौन कराएगा, यही तो प्रॉब्लम हो गया गाइस। देखो बच्चे का क्या हालत हो रहा है, आप लोग ये देखो गाइस किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देखो, ठीक है। और दोनों बच्चा अभी कितना छोटा भी है गाइस, ये देखो जस्ट अंडर से निकला है, तो क्या करेगा देखना पड़ेगा गाइस, ये बच्चा किस तरह से बड़ा होती है। सारे कबूतर को लॉफ्ट से बाहर निकाल देते हैं, जितने भी कबूतर लॉफ्ट के अंदर बंद है। देखो गाइस मैं अभी सारे कबूतर को लॉफ्ट से बाहर छोड़ रहा हूँ, पूरी कबूतर बंद है, ज़्यादा लेट हो गया कबूतर को छोड़ने में। तो देखो गाइस अब सारे कबूतर को लॉफ्ट से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जैसे ही कबूतर को बाहर छोड़ दिया, तो कबूतर को छोड़ने के बाद फास्ट कबूतर क्या खा रहे हैं आप लोग यहाँ पर जाके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप लोग देखो गाइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और कितना सारे कबूतर घुस गया दिखा अंदर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कबूतर क्या खा रहे थे पता नहीं। अभी देखो गाइस ये कबूतर क्या डर के देख के डर गया था फिर से। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, ठीक है। आप लोगों का कबूतर भी ठीक ही हो गए, पेट्स वगैरह सारे ठीक है। तो गाइस जितने भी अंडा बिठाया था लॉफ्ट के अंदर, सारे बच्चा एक एक करके निकल गया और एक अंडा छोड़ के, ठीक है। तो इस बार ब्रीडिंग बहुत ही शानदार हुआ, तो देखते हैं कितना बच्चा सर्वाइव कर पाती है। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई है, तो इस टाइम पर विंटर की सीजन है, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, ये इस जुड़ा के पास एक अंडा था, ठीक है। आप लोगों को दिखाया था इस जुड़ा ने वो अंडे को गर्म करना छोड़ दिया, उसके में परेशान होके, ठीक है गाइस। उसके बाद वो जो जाग जुड़ा है उसका नीचे अंडे को रखा था और उन दोनों ने बच्चा निकाल दिया। दो दिन अगर और दो दिन अगर अंडे को गर्म करता था तो ये दोनों के पास बच्चा निकल जाता, तो कोई टेंशन ही नहीं होता गाइस, ठीक है। और अभी देखो गाइस वो कबूतर तो ऐसे ही बीमार है, ठीक है। उसका जो चोंच है, वो जो नर है गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा ये नर, इसका जो चोंच है, इस चोंच थोड़ी टेढ़ी है गाइस, ठीक है। तो ये बच्चे को किस तरह से फीडिंग कराएगा, आप लोग देखो इसका चोंच ठीक नहीं है, तो उसके बावजूद भी इसके पास ही बच्चा निकल गया गाइस, तो कैसे बच्चे को वो फीड कराएगा, इससे बहुत ही दिक्कत हो रही है गाइस। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करो बच्चे को, तो एडजस्ट करके बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारे कबूतर के पास तो बच्चा है इस टाइम पे, तो एडजस्ट करके बड़ा करना पड़ेगा। और इधर देखो गाइस ये चोटियाल जुड़ाने ऑटोमेटिक जुड़ा लेना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ इनका जुड़ा नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोगों को बोला था गाइस ये नर के साथ वही मादी का जुड़ा लगाऊंगा, ये देखो गाइस वो मादी, और ये जो चोटियाल मादी है दुबाज टाइप का, उसके साथ जो मेरा ये देखो ये नर है, इसका साथ जुड़ा लगाऊंगा। तो मेरा जुड़ा तो सेटिंग कर लिया। तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कबूतर की वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और जो सारे भाई नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही क्लिक है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। और किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताओ। तो गाइस देखो सारे कबूतर का बच्चा निकल रहा है इस टाइम पर, और नर कबूतर जो है वो कितना ज़्यादा मस्ती दिखा रहा है, आप लोग देखो ये नर, देखो ये मदरसी नर, ठीक है। और ये दोनों गिरीबाज देखो गाइस किस तरह से आवाज़ दे रहे, देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है ये दोनों नर को, देखो गाइस, ठीक है। ये दोनों नर, ये देखो गाइस एक नर एक नर, तो इन दोनों नर किस तरह से मस्ती दिखा रहे इसके साथ, देखो ये देखो। तो इस टाइम पे बहुत सारे कबूतर का बच्चा निकल जाएगा, उसके बावजूद गाइस नर कबूतर मस्ती दिखा रहे हैं, और ये देखो। तो गाइस इस टाइम पे कबूतर को ग्रीड का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारे कबूतर का बच्चा निकला है, तो सारे कबूतर को ग्रीड दे देते हैं। तो आप लोग भी ग्रीड देने का ट्राई करना कबूतर को, तो चलो ग्रीड तोड़ के दे देते हैं। तो देखो गाइस मैं जैसे यहाँ पर आया और सारे कबूतर मेरे पास किस तरह से आ रहे हैं, आप लोग देखो, ठीक है। इस कबूतर को पता चल गया क्योंकि कबूतर को ग्रीड दूंगा, ये देखो गाइस कबूतर किस तरह से ग्रीड खाना आ गया, देखो गाइस इतना करीब आ रहा है, आप लोग देखो
और दूसरे टाइम पे कबूतर इतना करीब नहीं आते हैं, इस टाइम पे जितना करीब आ रहा है गाइस आप लोग देखो एक बार, ठीक है। तो कबूतर को लग जाने के चांसेस है, इसलिए मैं साइड हो रहा हूँ और सारे कबूतर ऑलमोस्ट आ गए। देखो इसमें भी कबूतर है और कुछ कबूतर इधर उधर घूम रहा है, वो भी आ जाएगा, आप लोग देखते रहो, ठीक है गाइस। ये देखो गाइस दो चार कबूतर इधर उधर घूम रहा है और कितना कबूतर मेरे पास आ गया है देखो ग्रीड खाने के लिए। तो आप लोग भी ट्राई करना कबूतर को ग्रीड देने का, ठीक है। और बच्चे को जाके ये फीड कराएगा तो उसका पॉटी का जो प्रॉब्लम है गाइस वो भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग तोड़ के दे देना, देखो कबूतर किस तरह से खा रहे हैं देखो गाइस। और यहाँ पर मिट्टी भी पड़ी है गाइस, उसको भी खा रहे हैं कबूतर देखो। तो गाइस चलो, कबूतर बहुत देर से भूखा है और धीरे धीरे शाम हो रहा है, तो सारे कबूतर को दाना पानी करवा के लॉफ्ट के अंदर कर लेते हैं। तो कबूतर को दाने में मैं क्या दूंगा आप लोग वो भी देखो। तो उसके बाद गाइस देखो मैं कबूतर के लिए धान रेडी करके लेके आ गया, ठीक है। और सारे कबूतर मेरे पास आ गया, देखो गाइस मैं कबूतर को धान दे रहा हूँ अभी इस टाइम पे। देखो गाइस सारे कबूतर ठीक ठाक खा रहे हैं धान, और मेरा कबूतर धान अच्छे से खाती है आप लोग देखो गाइस। और धान को पूरा क्लीन करके लेके आ गया, देखो पानी में भिगा के, अभी भी पानी में भिगा ही है। तो आप लोग भी इस तरह से कबूतर को धान दे सकती हो, देखो ठीक ठाक खा रहे सारे कबूतर। और उसके बाद देखो गाइस कबूतर के लिए गेहूँ लेके आ गया, और सारे कबूतर का भी गेहूँ दे रहा हूँ देखो गाइस। और ज़्यादा दाना नहीं दूंगा आज, क्योंकि चना पानी में नहीं भिगाया, ठीक है गाइस। वो डेली डेली चना देना भी ठीक नहीं है कबूतर को, कबूतर फैट हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आज चना भी नहीं दूंगा, कबूतर को गेहूँ दूंगा, उसके बाद सारे कबूतर को लॉफ्ट के अंदर भी कर लूँगा, ठीक है। तो देखो गाइस कबूतर ठीक ठाक गेहूँ खा रहे हैं, ये देखो और कितना क्विक खा रहे हैं देखो गाइस कबूतर, ये देखो ये देखो। दाना का रूटीन अगर आप लोग ठीक कर लोगे तो कबूतर हमेशा ठीक ठाक ही खाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कबूतर को। उसके बाद देखो खोल दिया और सारे कबूतर किस तरह से लॉफ्ट के अंदर जा रहे हैं आप लोग देखो, सारे कबूतर जा रहे हैं लॉफ्ट के अंदर, ये देखो दो एक कबूतर बाकी है सिर्फ, ये भी चला जाएगा, ये देखो गाइस सारे कबूतर चला गया लॉफ्ट के अंदर। और लॉफ्ट के दरवाजे को मैं बंद कर दूंगा। तो चलो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।